ऐसा फायदा। मेरी आरजू है, मेरी दुआ है कि कामयाबी की ये लहर हमारी कौमी जिंदगी के तमाम शोबों को सैराब करे और खुशहाली इत्मीनान के समर हर तरफ नजर आए। ये फतह हमें दर्श देती है कि आर्जी नाकामियों से बद दिल होने के बजाय उनसे सबक सीखना चाहिए। हिम्मत व अज़म और बेहतर कारकर्दगी से शिकस्त फतह में बदल जाती है। हमें अपनी मुआशरती ज़िंदगी और कौमी मसाइल के हल में इसी जज्बे से काम लेना चाहिए, फिर इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। कप्तान इमरान खान ने कहा, जिस चीज़ से मुझे बहुत खुशी है वो ये कि इनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, आपने शायद देखा होगा जो शारजा कप वर्ल्ड कप से पहले एक कॉम्पिटिशन हुई थी, उसमें यही हुआ। टीम ने पहले शुरू में बहुत बुरा खेली, हम हार रहे थे, हमारे सपोर्टर्स ने दिल छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा, और इस फाइटिंग स्पिरिट के तहत वो हमने शारजा कप जीता। और फिर यही हुआ वर्ल्ड कप फाइनल पे, वर्ल्ड कप थ्रू आउट जब टीम इतना बुरा कर रही थी, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बड़ी इतना मुश्किल होता है टीम का उस डिमोरलाइज्ड स्टैंडर्ड से वापस आना, और इसमें उस टीम में जिसमें बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी थे, और इसमें मैं ख़ास दाद दूंगा ये जो यंग प्लेयर्स हमारे आए हैं जो इतने प्रेशर को सस्टेन करके, और ना सिर्फ मुझे इतनी इन्होंने इज्जत दी बल्कि सारे मुल्क को। टीम के अरकान को इनाम के तौर पर इस्लामाबाद के डेवलप्ड सेक्टर्स में एक एक कनाल के प्लॉट और दो दो लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा उन्हें हुस्ने कारकर्दगी की असनाद भी पेश की गईं। इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर हजारों लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फातह टीम का इस्तकबाल किया। फातह टीम के खिलाड़ी खूबसूरती से सजाए जाने वाले ट्रक में सवार होने के लिए टर्मिनल की इमारत से बाहर आए तो उन्हें हार पहनाई गई और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वफाकी वजीर सनत शेख रशीद अहमद और रावलपिंडी के मेयर आगा अब्दुलरशीद जेलानी ने सबसे पहले टीम का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदे एमजेड सुहेल ने बताया है कि टीम के खिलाड़ियों को हवाई अड्डे से बाहर आने में तकरीबन एक घंटा लगा। टीम को खूबसूरती से सजाए गए ट्रकों, खुली जीपों और वैगनों के बहुत बड़े जुलूस की शक्ल में हवाई अड्डे से लाया गया। क्रिकेट के शायकीन, जिनमें नौजवान, बूढ़े, खवातीन, स्कूल और कॉलेजों के लड़के शामिल थे, मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार कौमी नगमे और गीत गा रहे थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इमरान खान की क़यादत में 20 साल की सख्त मेहनत के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है। पूरी कौम इस अजीम कामयाबी पर हकीकी मानों में फख्र कर सकती है। ट्रक में सवार खिलाड़ियों की पहली कतार में जावेद मियादाद खड़े थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप के कई मैचों में मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी बैट्समैनों को हालात के मुताबिक खेलने पर उभारा। इस मौके पर इंजमामुल हक भी नुमाया थे, जिन्होंने एक इंतहाई अहम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग को नाकाम बनाकर रख दिया। वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम भी उसी कतार में थे, जिन्होंने 87,000 से ज्यादा शायकीन के रिकॉर्ड हुजूम के सामने फाइनल में इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी थी। वर्ल्ड कप में सबसे बढ़कर इमरान खान की बलबला अंगेज क्यादत थी, जिसने इब्तदाई नाकामियों के बाद टीम को सहारा दिया और उसे कामयाबी से हमकनार किया। हकीकत में ये टीम स्पिरिट थी जिसकी बदौलत मेलबर्न में पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। क्रिकेट टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहुंची, जहां खचाखच भरे हुए स्टेडियम ने मेलबर्न के हीरोज का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। फातह क्रिकेट